रूस की सेनाओं के 10 दिनों के संयुक्त युद्धाभ्यास का बुधवार को झांसी के बबीना कैंट में समापन किया गया। यह भारत और रूस की सेनाओं का 11वां संयुक्त युद्धाभ्यास था। भारत में ऐसा युद्धाभ्यास पहली बार हुआ है। पहली बार ही इस युद्धाभ्यास में भारत की थल सेना, वायुसेना और जल सेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इस अभ्यास से जुड़े कई सत्र पुणे और गोवा में भी आयोजित होंगे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के आतंक के खिलाफ वैश्विक अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के मकसद से दोनों देशों की सेनाओं ने यह अभ्यास किया। इस दौरान बताया गया कि दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त काउंटर अभियानों को अंजाम देने की, एक दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने की भी कोशिश की। पत्रकार वार्ता में कई जानकारियां दी गई। फ्रेंड्स, मैं 10 दिन से ये जॉइंट एक्सरसाइज चल रहा है एंड आपने तो सुना है कि ये 3 जगह एक्सरसाइज चल रहा है, एक पुणे में, गोवा में और बबीना में। आज इस एक्सरसाइज का लास्ट डे है और जिस तरह से हमने इस एक्सरसाइज से जो कुछ अचीव किया है, बहुत अच्छी बातें अचीव की है कि कॉन्फिडेंस दोनों देशों के आर्मी में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है और ये कॉन्फिडेंस जैसे यूनाइटेड नेशन के बिहाफ ये जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रहा है तो दुनिया की कौन सी भी आपत्ति हो इसको हम फेस कर सकेंगे, यही विश्वास इस ट्रेनिंग से प्राप्त हो। टेररिज्म не имеет национальности, не имеет государственности. Поэтому наше совместное учение с нашими индийскими товарищами, взаимодействие в военной области, в борьбе с терроризмом носят сугубо практический характер для нас, я думаю, что и для индийской стороны, индийские вооруженные силы, индийские органы управления имеют тоже большой опыт в борьбе с терроризмом, они борются с ним, и для нас он не менее интересен, так же, как думаю, что и для индийской стороны интересен опыт борьбы с терроризмом вооруженными силами Российской Федерации. Поэтому мы не делим терроризм на какую-то государственность или принадлежность какой-то нации. Терроризм, он везде терроризм, зло, и мы с ним боремся совместно вместе с индийской стороной. Я вас приветствую. The 11th edition of Exercise Indra has brought out many new facets in terms of jointship and international synergy. The participating contingents of the Indian and Russian armed forces must have surely gained tremendous experience, awareness and best practices from their joint activities and maneuvers. The degree of professionalism shown by the all soldiers say हमारी फौज हर क्षण में तैयार रहती है। ये जो एक्सरसाइज है ये तो यूनाइटेड नेशन जिस तरह से वर्ल्ड वाइड जो एक्सरसाइज किया कि कौन सी भी आपत्ति आ जाए तो उसको फेस करने के लिए एक दूसरे के साथ सभी देश इकट्ठा मिलके इसको कॉम्बैट करें, यही इसका इस ट्रेनिंग का ये है। LOC का प्रॉब्लम तो आप जानते हैं, हर दिन पाकिस्तान जो सीज फायर का ये करते ब्रेक करते हैं और हमारे सैनिक जो वहाँ डटे हुए हैं उनको सबको इस सिचुएशन को काबू पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। झांसी से रवि परिहार के साथ मनीष अली की रिपोर्ट।